आश्रय जमाई एक 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 बात बताइए, इस देश में कानून बना संविधान को अपहोल्ड करने का काम किसका है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्लॉज भी लिखा हुआ है कि इसको यहाँ से रिव्यू नहीं हो सकता या फिर इस पे आप जा नहीं सकते कोर्ट में। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक क्लॉज है, पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो फर्क समझना बहुत जरूरी है। अरे तो ये कोर्ट को तय करने दीजिए ना सर कि रिव्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किसकी दलील सही है गलत है, याचिका खारिज होगी स्वीकार होगी कि शुएब जमाई एक टेलीविजन डिबेट में ये तय करेंगे। संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मानते हैं ना, इसलिए तो सीए में जो है रिव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विष्णु जैन जी नहीं, ठीक है, नहीं नहीं शुएब जमाई आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। संविधान को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, विष्णु जैन जी संविधान को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। शुएब जमाई किसी डिबेट में बैठकर नहीं तय कर सकते। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कुछ थोड़ा सा भ्रम फैलाया गया, मैं उस भ्रम को क्लैरिफाई कर दूं। ये एक टेक्निकल बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का पार्ट नहीं है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर की शोएब जमाई ने बात कही वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इस देश में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्युलरिज्म का एक जीता जाता उदाहरण है, इसके भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया या संविधान की मूल संरचना का पार्ट हो गया, इस बात को समझने की जरूरत है पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर केस में पैरा 92 ऑनवर्ड्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जिक्र किया था वो एक ऑर्बिटर फाइंडिंग है। ऑर्बिटर फाइंडिंग का मतलब समझ लीजिए, ऑर्बिटर फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज किसी जगह पे कोई बिंदु नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और उस पे अगर कोई माननीय न्यायालय उस पे अपना कमेंट देता है तो वो बाइंडिंग प्रपोजिशन ऑफ लॉ नहीं होता है, वो किसी पे बाइंडिंग नहीं होता, वो एक पासिंग रिमार्क है। और यही बात तुषार मेहता साहब जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने यही बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी थी कि राम मंदिर का केस और बाकी चीजें इससे कवर्ड नहीं होती हैं। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान एक संसद द्वारा पारित कानून है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में हमें चुनौती देने का हमारा अधिकार है और इसीलिए हमने चुनौती दी है। किस आधार पे? इस आधार पे कि ये लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। किस आधार पे? कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 27 इन सबका वायलेशन करता है। और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है, मैं यहाँ सारे अपने मुस्लिम पैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है क्या कि अगर आपने कहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है तो इस्लाम में परमिसिबल है क्या? आपने भी सवाल पूछा राकेश जी, बहुत अच्छा, और मुझे लगता है आपने मूलभूत सवाल पूछा है कि भाई कितनी चीजों की बात होगी। इन लोगों ने भी यही सवाल पूछा, कितने मंदिरों की बात होगी? सवाल यहाँ पे 40,000 मंदिर का, 3 मंदिर का, 20,000 मंदिर का, 10,000 मंदिर का नहीं है। मैं या अश्वनी भाई या स्वामी जी यहाँ पे कोई फिगर देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां जहां मंदिर तोड़ा गया है इस्लामी आक्रांताओं द्वारा और वहां मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिलते हैं वहां पे कम से कम हमें जुडिशियल रिव्यू के तहत अपनी कोर्ट के माध्यम से लीगल लड़ाई लड़ने की इजाजत दीजिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं वो इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, जो तोड़ दिया वो सही है, जहां पे हम बैठे हुए हैं वो सही है। आप ये आवाज भी नहीं उठा सकते, मुद्दा इस बात का है। ठीक है।